हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम आ चुके हैं एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। एंड गाइस सॉरी, मेरी वीडियो को मैंने जो वेंसडे को अपलोड करना था वो मैं नहीं कर पाता, बिकॉज मेरा थोड़ा डेटा इशू हो चुका था, है ना। मतलब मोबाइल डेटा यूज़ करता हूँ अपलोडिंग के लिए, तो गाइस उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। तो खैर, जो भी, मैं आज की वीडियो तो ला चुका हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, मैं बंदों को गाड़ी से भगा भगा के पकड़ के मारता हूँ, ठीक है। मतलब बंदे लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको गाड़ी से उतार के मारते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना गाइस। तो बढ़ते हैं गेम प्ले की तरफ। तो मैं उतरता हूँ पोचिंग के में और फिर चलते हैं लैंडिंग के बाद क्या सीन होने वाला है वो देखना है, ठीक है। तो चलो गाइस। तो यार, यहाँ पे लैंड होते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि काश मेरे को गन मिल जाए, ठीक है। और अंदर घुसते मेरे को मिल जाती है AKM और सामने में बंदे भी उतरे, तो यहाँ पे हम करेंगे रश। तो आगे देखो गाइस। तो इस बंदे ने तो पहले मेरे टीममेट को नॉक किया, ठीक है। उसको नॉक करने के बाद जब मैं हम नीचे में होल्ड करता हूँ तो एक दूसरा बंदा होता है जो चटक बन के अंदर आने की कोशिश करता है ताकि हम लोग को क्लच कर पाए, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है मैं उसको करता हूँ नॉक, फिर कर देता हूँ फिनिश। फिर उसके बाद इस बंदे को भी मार दिया, उस बंदे को भी मार दिया। अब क्या होता है, मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ क्योंकि आसपास कोई होता नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरे को फुटस्टेप आता है कि कोई रश करने वाला है, ठीक है। तो आगे देखो उनसे उसको कैसे मारूंगा मैं। तो यार, ये बंदा मेरे पे रश करने तो आता है लेकिन अभी मैंने इसको लॉबी भेज दिया, ठीक है। तो ये लॉबी में जाके अपने दोस्त के साथ सोचेगा कि भाई मतलब क्या गलत सीन हो गया, क्या करना चाहिए था। मतलब इन लोगों का बातचीत आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। हम बढ़ाते हैं अपना गेम प्ले आगे की तरफ, ठीक है। तो आगे देखो गाइस आगे क्या सीन होगा। तो यार, जब मैं वहाँ पे रुका होता हूँ तो क्या होता है कि मेरे को पीछे से गन साउंड का आवाज़ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आगे की तरफ रश कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर आगे देखो, मैं उनको मारने की कोशिश करूँगा। तो यार, बंदे सामने में मतलब रिवाइव खेल रहे थे, तो यहाँ पे मैं आने के बाद मतलब उनका गेम पूरा बिगाड़ देता हूँ, ठीक है। मतलब रिवाइव होने नहीं देता, और जिसको मैंने रिवाइव जो रिवाइव हो रहा था उसको भी मारता हूँ और जो रिवाइव कर रहा था उसको भी मार देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को दोनों किल मिल जाती है, मतलब एक किल मैंने चुराई है शायद से, आप जो भी समझो। तो खैर, जो भी हम यहाँ पे आगे की तरफ गेम को बढ़ाते हैं, तो आगे देखो गाइस आगे क्या होगा। तो यार, ये तो एक सोलो बंदा होता है जो कि ये सामने डुओ बंदे से लड़ रहा होता है, जिनमें से एक को तो नॉक किया था इसने, बट मैं इसको मार देता हूँ, आगे की तरफ रश करता हूँ। तो आगे देखो। सो गाइस, यहाँ पे तो वो लोग रिवाइव खेल रहे थे लेकिन मैं यहाँ पे आके उन दोनों को मार देता हूँ, ठीक है। उन दोनों को मारने के बाद क्या होता है कि एक बॉट भी आता है, उसको ही मार देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को मारने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि पोचिंग की पूरा क्लियर हो चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि सामने में से एक और डुओ होता है जो हम पे रश कर देता है, तो उनसे देखो हम कैसे लड़ेंगे। तो आगे देखो। पीछे भागा, ओके राइट जा रहा है, मेरे पास। तो यार, ये दोनों पता नहीं कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, जो भी कर रहे होंगे। तो पहले तो एक बंदा मेरे को दिखता है जो कि मेरे पे थॉमसन पटकाता है, फिर मैं आगे की तरफ आके इसको नॉक कर देता हूँ। इसको नॉक करने के बाद मैं वेट करता हूँ कि इसका टीममेट आए, और इसका टीममेट आता भी है, ठीक है। तो इसके साथ ये डुओ तो पूरी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हम इनको थोड़ा बहुत लूटते हैं और फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे चलो गाइस। तो यार, पोचिंग की क्लियर हो जाती है। पोचिंग की क्लियर होने के बाद मैं यूएस उठा के आगे की तरफ यहाँ पे रोजोक में आ जाता हूँ। रोजोक में जब मैं आता हूँ तो मेरे को एक डासिया दिखती है, तो हम उनका पीछा करने लगते हैं। और इनका पीछा करके देखो यार, मतलब कैसे मारेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है, आप आगे देखो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे देखो।
सो गाइस यहाँ पे हम इन दोनों को मार चुके हैं और मेरे को यहाँ पे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा, लेकिन हम यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं, समझ रहे हो ना गाइस। तो जो भी हो यहाँ पे मैं स्मोक बना के फिर इन लोगों को लूटने लगता हूँ, फिर मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे और भी बंदे हैं, तो देखो उनको कैसे मारेंगे। तो यहाँ पे जो पहला बंदा होता है वो यहाँ पे बॉट मारने आया था, लेकिन बॉट तो मार नहीं पाता, खुद ही आके मर जाता है, तो मैं उसको भी मारता हूँ फिर बॉट को भी मार देता हूँ। अब इसका टीममेट जो है आसपास होता नहीं है, तो उसकी वजह से मेरे को इसको फिनिश करना पड़ता है, तो मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी में बैठ के फिर हम चलते हैं आगे की तरफ, तो आगे देखो क्या होगा। तो जब हम यहाँ पे स्कूल से गुजर रहे होते हैं तो मेरे को आगे में यूएस दिखती है और यूएस का मैं पीछा करने लगता हूँ। तो फिर पीछा करने के बाद क्या होता है कि लाइक मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ, उतर के एक बंदे को उतार देता हूँ, उसके बाद दूसरे बंदे को मतलब मार देता हूँ, क्योंकि वो बंदा जो है गाड़ी रोक देता है। तो इसी के साथ ये डुओ भी ख़त्म हो जाती है। और गाइस अगर आपको ये चीज़ पसंद आया ना, जिस तरह से मैंने उसको गाड़ी से उतारा और जिस तरह से दूसरे बंदे को मारा, तो इसके लिए एक लाइक कर दो और उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, तो आगे देखो क्या होगा। तो जब पिछले वाले डुओ को मैं मार के गाड़ी घुमा रहा था यहाँ पे, तो मैं वापस से स्कूल के साइड आ जाता हूँ, और स्कूल के साइड जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को एक और डासिया दिखती है, तो यहाँ पे एक और टीम मिल जाती है, ठीक है। तो इन दोनों को भी मैंने मतलब गाड़ी से उतार के मारा है। तो गाइस अगर आपने पिछले वाले के लिए लाइक नहीं किया तो यार इस चीज़ के लिए तो पक्का लाइक करो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही मतलब मस्त है, ठीक है। तो यार लाइक कर दो, और लाइक करने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ इनको लूटने के बाद, तो आगे देखो आगे क्या होने वाला है। सो गाइस यहाँ पे होता ये है कि ये यहाँ पे किसी ने फ्लेयर मारा होता है और ये दोनों यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम भी यहीं पे ही आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमसे मुलाकात हो गई, तो मतलब हम दोनों मिलके इन दोनों को लॉबी भेज देते हैं। तो ये जा चुके हैं लॉबी की तरफ और हम चलते हैं फ्लेयर की तरफ, तो चलो गाइस आगे देखो क्या होगा। तो जब मैं फ्लेयर ड्रॉप की तरफ जाता हूँ तो वहाँ पे कोई होता नहीं है और जोन भी आ ही रहा होता है, तो मैं क्या करता हूँ गाड़ी बैठता हूँ, गाड़ी में बैठने के बाद मैं आगे की तरफ निकल ही रहा होता हूँ जोन की तरफ, तभी मुझे ये दोनों बंदे मिलते हैं। तो इन दोनों के साथ तो फाइट हो गई, मैंने इन लोगों को लॉबी भेज दिया है। उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं गाड़ी लेता हूँ, गाड़ी लेके मैं फिर वापस से जोन की तरफ निकलता हूँ, तो चलो आगे देखो। सो अब मैं यहाँ पे स्कूल अपार्टमेंट की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पे मतलब मेरे को लगता है कि बंदे हो सकते हैं और यहाँ पे बंदे होते भी हैं, तो यहाँ पे मतलब छत पे दो बंदे हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे रश करने की कोशिश करूंगा, तो आगे देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे होता ये है कि सामने से एक बंदा जो है डीपी से यहाँ पे किसी को नॉक किया था, जो कि मैंने किल फीड में देखा, तो मैं क्या करता हूँ कि मतलब मेरे लिए बहुत ही गोल्डन चांस हो जाता है, क्योंकि एक बंदा नॉक पड़ा है, एक आखिरी बंदा बाकी है, तो मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ। अब उस आखिरी बंदे को तो मैंने मार दिया, ठीक है, तो मतलब इसी के साथ ये डुओ तो ज़रूर ख़त्म हो जाती है। अब बाकी है आखिरी बंदा जो कि मेरे सामने है, मेरे को उसका पोजिशन भी पता है, तो मैं अभी उस पर रश करने वाला हूँ, तो उसको देखो मैं कैसे मारूँगा। सो गाइस इस लास्ट एनिमी ने तो ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं यहाँ पे छत पे हो सकता हूँ, लेकिन मैं छत पे ही था
और ये क्या करता है कि गाड़ी लेके हम पे रश करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं पे डैमेज देता हूँ। डैमेज देने के बाद मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट रश कर देता हूँ, क्योंकि इस पे डैमेज था ऑलरेडी बहुत सारा, तो मैं डैमेज करके रश कर देता हूँ। रश करने के बाद इधर उधर ये भागता है, लेकिन मैं इसको पकड़ लेता हूँ। तो इसी के साथ हमें मिल चुका है चिकन डिनर। और अगर गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आया और अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट भी करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।